क्या मामला है, आप प्रेस क्लब गोरखपुर में क्यों आए हैं? गोरखपुर में हमारे पास बहुत अनैतिक काम हुआ है। चुनाव के लिए पर्चा भरे थे, उसमें पर्चा में कोई कमी नहीं थी। 23 तारीख विकास का प्रक्रिया चल रहा था, जो 22 को वापसी था, 22 को हमारा पर्चा वापसी नहीं हम कराए, लेकिन फिर भी दबंग लोगों ने अपने अधिकारियों से आ किस गांव का मामला है, कहां का मामला है? जगदीशपुर ब्लॉक जनपद गोरखपुर तहसील चौरी चौरा के मैटर है सर। क्या मामला है पूरा बताएं। मामला यही है कि चुनाव हम पर्चा भरे थे, जिसमें पर्चे में का नाम कोई कमी नहीं थी। 21 तारीख को जांच का प्रक्रिया चल रहा था, 22 को वापसी का था, जिसमें 22 को हमारा हम लोग पर्चा नहीं वापस लेने गए, क्योंकि हमारा पर्चा 22 तारीख को 2 बजे खारिज कर दिया गया है। क्यों खारिज हुआ फिर? प्रस्ताव को लेकर के लोगों ने जबरन जो है खारिज करा दिए। क्या मामला पूरा था? पूरा मामला यही है सर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे सब मिले जुले थे, अधिकारियों के समझ सारे काम हम लोग दो ही लोग। प्रधान पद के लिए कौन व्यक्ति था? भाई साहब। क्या मामला है बताने का पूरा कष्ट करें, अपने नाम बताइए पहले। उसमें हमारे साथ जो है एंटी पार्टी जो थी पूर्व प्रधान, वो हमारे प्रस्तावक को रात को उसके लड़के को और उसके बाप को दोनों को उठा ले गए। ले जाने के बाद दबाव देने के बाद पर्चे को खारिज कराने के सिलसिले में उनको जो है सारे दिन गायब किए गए। 21 तारीख को पर्चा खारिज होना था, तो उसमें नहीं करवा पाए, 22 को 2 बजे टाइम में खारिज करा दिए। हम वहाँ लेने भी नहीं पर्चे गए। क्या नाम है जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा कार्य किया है? सुरेंद्र यादव जगदीशपुर पूर्व प्रधान है, प्रधान वर्तमान में थे, उनके लड़के का देहांत होने की वजह से वो दोबारा जो चुनाव जगदीशपुर जनसभा का होने वाला था। क्या सरकार से मांग करते हैं आप? हम तो यही कहेंगे कि इसके जो है जांच किया जाए, जो निर्दोष हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फिर आइंदा किसी गरीब के साथ ऐसा न हो। किन किन अधिकारियों से आप मिल चुके हैं अभी तक? डीएम से अपना चीज बर्खास्त डाल दिए थी, डीएम पास गए थे, और ये आईएएस उनके पास जाने के बाद जो है अपना बात रखे, तो वही बोले कि आप जो है इसको प्रेस वार्ता में बात करिए, उसको जो है पूरे उजागर करिए, तो इसके जो है जांच। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या आपका होगा? न्याय तो होना ही चाहिए ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए।